सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैन ऑफ स्टील 2 के बारे में, ब्लैक एडम के बारे में और शज़ाम 2 के बारे में। सो अपकमिंग सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर डीसी एक काफी बड़ा पैनल ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिस पैनल के अंदर ब्लैक एडम से रिलेटेड काफी सारे नए ट्रेलर्स, इसके अलावा शज़ाम 2 से रिलेटेड कुछ ट्रेलर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इस पैनल के दौरान डीसी शायद ब्लू बीटल, बैट गर्ल, एक्वामैन 2, इसके अलावा जोकर 2 से रिलेटेड भी काफी सारे अनाउंसमेंट्स कर सकती है। इस इवेंट के दौरान फ्लैश रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हो सकते थे, पर क्योंकि एज़रा मिलर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं तो फ्लैश रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आपको डीसी के कॉमिक कॉन के इवेंट के दौरान देखने को नहीं मिलेंगे। पर अभी रिसेंटली एक काफी बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है डेडलाइन की तरफ से, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर डीसी की तरफ से आपको हेनरी कैवल भी देखने को मिलने वाला है। सो क्योंकि ये रिपोर्ट डेडलाइन की तरफ से निकल के आ रही है, सो आप ये लगभग कन्फर्म समझ सकते हो कि हेनरी कैवल भी डीसी की कॉमिक कॉन पैनल में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यह है कि हेनरी कैवल या तो ब्लैक एडम की मूवी के अंदर या तो शज़ाम 2 की मूवी के अंदर आपको पक्का दिखने वाला है। हेनरी कैवल का फ्यूचर डीसी में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और सबको ऐसा लग रहा था कि हेनरी कैवल मैन ऑफ स्टील के बाद कोई भी और मूवी नहीं करने वाले हैं, और जस्टिस लीग की मूवी हेनरी कैवल के लिए उनकी लास्ट मूवी थी। पर अब ऐसे रूमर्स चल रहे इंटरनेट पे कि हेनरी कैवल का सुपरमैन मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक एडम के अंदर अपना रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा शज़ाम 2 के अंदर भी हेनरी कैवल का सुपरमैन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके बाद फ्यूचर में डीसी हो सकता है शज़ाम, ब्लैक एडम और सुपरमैन को एक ही मूवी के अंदर दिखाए। इसके अलावा अभी इंटरनेट पे मैन ऑफ स्टील 2 को लेकर भी बहुत ही ज्यादा हाइप बन गई है। सो बेसिकली मार्वल का सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल और डीसी का सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल एक ही दिन पे है, यानी कि 23 जुलाई को। अमेरिकन टाइम के हिसाब से डीसी का कॉमिक कॉन पैनल 23 जुलाई सुबह 10 बजे होने वाला है, तो इसका मतलब 23 के रात को इंडिया में आपको डीसी के कॉमिक कॉन पैनल से न्यूज देखने को मिल जाएगा। जितने भी अनाउंसमेंट्स कॉमिक कॉन के अंदर होंगे उन सारे अनाउंसमेंट्स को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, पर उन अनाउंसमेंट्स रिलेटेड काफी सारे न्यूज इंटरनेट पे आएंगे, जिसके थ्रू ही आपको इन अनाउंसमेंट्स के बारे में पता चलेगा। सो डीसी के अनाउंसमेंट्स के बारे में आपको 23 के रात को ही पता चल जाएगा, पर मार्वल के अनाउंसमेंट्स के लिए आपको 24 की सुबह तक वेट करना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली 24 जुलाई को आपको ब्लैक पैंथर 2 का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी काफी सारे अनाउंसमेंट्स मार्वल कर सकती है कॉमिक कॉन के इवेंट के दौरान। अगर आपको ये जानना है कि मार्वल कौन कौन से अनाउंसमेंट्स कर सकती है इस साल कॉमिक कॉन के अंदर, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस बना कर रखे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स में ये लिखकर बताना ना भूले कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हेनरी कैवल को एक बार वापस से सुपरमैन प्ले करते हुए देखने के लिए। बाकी इस वीडियो के लिए नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।